अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम अलग अलग तरीके से आप तक जो है मवाद को, इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। आपको अलग अलग तरीके से हम जो है, चाहे मवाद हो, इन्फॉर्मेशन हो, देने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, ये आज के दिन की अहमियत को लेकर है, जो कि बहुत ही दिलचस्प होगा इंशाल्लाह। आज 28 फरवरी है, आज नेशनल साइंस डे है। अब ये वीडियो ऐसे जो है, ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली हमारी टैट की तैयारी कर रहे हैं वो दे रहे हैं, या फिर ऐसे ऐसे टीचर हजरात या ऐसे स्टूडेंट्स जो छठी से लेकर तो ऊपर के जो क्लास के हैं, छठी से बारहवीं वाले, और टीचर हो या तलबा हो या तालिबात हो, तमाम आप देख रहे हो छठी से बारहवीं तक के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो भी बहुत ही दिलचस्प जो है चीज आज के ही दिन के बारे में इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। और शिक्षक भर्ती में ऐसे सवाल आज जनरल नॉलेज में, जनरल साइंस में पूछता है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, तो इसकी जो है शुरुआत है या इसके मुतालिक जो रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट असल में है क्या, इसका हमारे आम जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, ऐसी वजाहत वाली चीजें हम जब स्टूडेंट्स को बताते हैं तो उसमें उनकी जो है क्यूरियोसिटी बढ़ती है, अगर वो जानने की कोशिश कर रहे हो तो। और माशाल्लाह टीचर हजरात को तो मालूम ही होगा, और साइंस स्ट्रीम वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये मालूम होगा, लेकिन मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर है उनके लिए मेरा खास आज का वीडियो। इसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले तो, कोई भी डे जब मनाया जाता है, कोई भी दिन जब मनाया जाता है, एक तो ये पैदाइश तारीख के दिन होता है या उसके पुण्यतिथि के दिन होता है, यानी उनके जो इंतकाल वाले दिन। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, 28 फरवरी ये ना तो सीवी रमन साहब का बर्थडे है और ना ही उनकी जो है एनिवर्सरी है, ओके, यानी उनकी जो पुण्यतिथि है। ये जो सीवी रमन साहब है, इनकी याद में ये मनाया जाता है। अब हालांकि उनकी जो पैदाइश हुई वो 7 नवंबर 1888 को हुई, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 2 नवंबर 1870 को हुई थी। ना ही उनका जन्मदिन है, ना ही उनकी डेथ उस दिन हुई थी, जबकि इनका अक्सर जो जयंतियां मनाई जाती है, अक्सर जो डे मनाए जाते हैं, ये पैदाइश या पुण्यतिथि के दिन या उनके खास मौकों पर मनाए जाते हैं। अब जो है सीवी रमन साहब जो है, ये इन्होंने एक रमन इफेक्ट की इजाद की थी, जो कि 28 फरवरी सन 1928 को की थी। सीवी रमन साहब जिनको, जो फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र के बहुत ही महान शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट, साइंसदान गुजर चुके हैं। रमन इफेक्ट जो है, इसकी इजाद करने वाले ये पूरे एशिया बर्रे आजम के पहले साइंसदान थे। इन्होंने रमन इफेक्ट दुनिया को दिया, और इसी वजह से इनको 1930 में नोबेल इनाम मिला। 1930 में इनको इसी इजाद की वजह से, एशिया के पहले साइंटिस्ट थे, ना कि दुनिया के, एशिया में 48 कंट्रीज आते हैं। अब ये रमन इफेक्ट की जो कहानी है, इसके इजाद की जो कहानी है, बहुत ही दिलचस्प है। ऐसे सवालात जनरली आमतौर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, ये भी मैं बार बार बोल रहा हूं, ये छठी से बारहवीं तक के जो तलबा है उनके लिए इंटरेस्टिंग मालूमात भी है। अब आ जाओ, ये जो है ये इजाद हो चुकी थी, लेकिन ये इजाद हुई कैसे? एक वक्त, एक टाइम पर, जब जो है उस दौर में जब सीवी रमन साहब थे, तो जो समंदरी जहाजों से सफर करना होता था, इसीलिए एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जो सीवी रमन साहब भारत से दूसरे मुल्क जा रहे थे शिप में, जहाज में, और साइंटिस्टों की एक खास बात होती है, जब वो जाते हैं तो अपने आलात, अपने साजो सामान जो रिसर्च के होते हैं वो साथ में ले जाते हैं। इन्होंने भी साथ में ले लिया था। अब ये जा रहे हैं, अंदर रिसर्च वगैरह शुरू है, जब ये बरामदे में आए उस जहाज के, तो देखा कि जो समंदर है, समंदर के पानी का जो नीलापन है, वो उनको नीलापन जो नजर आया समंदर के पानी का, तो वो उन्होंने देखा कि ये जो नीला पानी है, ये जो असर है, ये इसका किसका असर है, तो ये है जो इनेकास का असर है, सूरज की शुआओं का इनके इनेकास का असर है, और ये इसी वजह से जो है वो जो झलकता हुआ पानी हमको छलकता हुआ दिखता है, ये सूरज के इनेकास की वजह से या नूर के इनेकास की वजह से है। यहां से शुरू हुआ उनके दिमाग में ये बात के असल में ये है क्या। अब यहां से शुरू होती है असल कहानी। अब ये उस देश से वापस आए, और वापस आने के बाद इसी पर उन्होंने रिसर्च करना
शुरू की। ये रेडिएशंस का जो है उसके असर दिखा उनको, उसकी किरणों का, सूरज की जो किरणें थी वो पड़ रही थी और वो मुनक्किस होकर उसका असर होकर ये नीला दिख रहा है, ऐसा उनके ख्याल में था। वापस कलकत्ता आए उस देश से वो, जब वापसी में आए तो उन्होंने 4 साल इस पर रिसर्च की और इस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने रमन इफेक्ट जो है ये आले की ईजाद की। अब ये जो रमन इफेक्ट है इसको आम जबान में हम कैसे समझ सकते हैं, या हमारे जब तलबा हमको पूछेंगे कि असल में रमन इफेक्ट क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है, तो हम उनको आसान जबान में जो है समझा सकते हैं, उनको बतला सकते, यानी इसकी आम जबान में अगर मैं बात बोलूं कि अगर जब हम कोई जो नूर है जो किसी शय पर पड़ता है तो उसका इनेकास होता है, यानी वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी मुनक्किस होता है। अब ये जब मुनक्किस होने वाली जो रोशनी होती है और आने वाली रोशनी होती है, इसमें फर्क होता है। जो भी चीज पर, जो भी वो शय पर पड़ती है, उसके जो है वेवलेंथ में, उसकी जो ताकत में, उसकी तवानाई में फर्क होता है, यानी वहां से आने की रफ्तार और उस पर पड़ने के बाद की रफ्तार में जो है, जो मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है उसमें जो है फर्क होता है। असल में ये फर्क जो होता है ये उसके एनर्जी का, उसके वेवलेंथ का, उस शय की वजह से होता है, यानी असल फर्क जो होता है वो उस शय का होता है। ये धीरे धीरे मैं जो है रमन इफेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी पर उन्होंने रिसर्च करके जो है रमन इफेक्ट की ईजाद की। और उसके बाद में है रोजाना का जो हमारा जो रूटीन है, रोजाना के इस्तेमाल में हम किस तरीके से ऐसी चीजों की हम मिसाल देख सकते हैं, जिस तरह से इंसान की जो उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो बिल्कुल हर पूरी दुनिया में हर किसी शख्स के फिंगरप्रिंट जो है ये अलग अलग होते हैं। इवन के जो आई के जो साइड्स होते जो हम आधार में देते हैं वो भी अलग होते हैं, टंग की जो ये जो होती है सामने की वो भी अलग होती है ऐसा सुनने में आता है, लेकिन फिंगरप्रिंट तो पूरे दुनिया में सबके अलग होते हैं। ऐसे ही मामला जो रमन इफेक्ट में जब ये जो उन्होंने रिसर्च किया था, तो जो इनेकास होने वाली रोशनी, जो नूर उस पर पड़ रहा है, वो नूर जिस मॉलिक्यूल पर पड़ता है तो वो मॉलिक्यूल पर जो असर होता है, तो वो हर मॉलिक्यूल का असर जो है, हर जितने भी वो चीजों पर या मॉलिक्यूल पर पड़ रहा है सबका जो है, सब में जो है अलग अलग तरीके से फर्क दिखाई देता है, यानी सेम प्रेशर या सेम वेवलेंथ या सेम जो है उसका जिसको बोलेंगे हम रफ्तार नहीं होती, हर मॉलिक्यूल जो है अलहदा होकर उसकी जो है बॉन्डिंग बनती है। और ये जो साइंस के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं बीएससी वाले, तो वो समझ रहे होंगे कि वो जो उनकी जो बॉन्ड बनती है वो अलग अलग होती है, यानी हर किसी पर अलग अलग असर होता है, यानी इसमें तवानाई में और वेवलेंथ में दोनों में फर्क होता है। किसकी वजह से? जो आ रही है रोशनी, जो नूर पड़ रहा है और नूर के बाद में जो इनेकास हो रहा है, वो इनेकास जिन मॉलिक्यूल्स पे पड़ रहा है वो अलायदा अलायदा होकर सब जो है सब में फर्क पाया जाता है। इसलिए मैंने फिंगरप्रिंट की मिसाल लिया, यही है वो जो रमन इफेक्ट का जो रिजल्ट था ये था, यानी जो तवानाई और जो रफ्तार होती है उस मॉलिक्यूल पे पड़ने के बाद सबका जो है एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ होता है, जबकि एक ही तयशुदा जो मॉलिक्यूल पर जब पड़ती है तो वो तयशुदा एनर्जी होती है, लेकिन जब मॉलिक्यूल पर पड़ने के बाद में उनकी जो है जिसको बोलेंगे एक दूसरे से वो मुख्तलिफ हो जाते हैं और एक दूसरे से अलायदा हो जाती है, एनर्जी लेवल पे हो या वेवलेंथ हो उसकी वो। अब इसके बारे में अगर एक सादी मिसाल अगर अपन समझेंगे, तो अगर हम कोई लिक्विड यानी कि लिक्विड वाली जो शय होती है उसको हमको दिया जाए, लिक्विड को दिया जाए और बोला जाए कि इसमें कौन से अज्जा का शुमार है या इसमें कौन से अज्जा शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको बता नहीं सकते ओरली देखकर, लेकिन रमन इफेक्ट में ये पॉसिबल हुआ और बगैर उसकी बू लिए, बगैर उसका जायका लिए हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए का इस्तेमाल करके हम इन अशिया के अंदर के अज्जा को मालूम कर सकते हैं। इसकी एक जैसा जो मिसाल हम बोलेंगे कि आम जिंदगी में इसके बहुत से इस्तेमाल है जो हम अपने तलबा को बता सकते हैं, जो हम जिसको जानकर हमको भी पता चलेगा कि ये रमन इफेक्ट की वजह से है। आप समझ गए होंगे कि रमन इफेक्ट क्या है असल में। तो जैसा मैंने लिक्विड की मिसाल दिया, अज्जा उसमें कितने अज्जा है हम देखकर बोल नहीं सकते, कोई बीकर में हमको अगर कोई लिक्विड दिया जाए, लेकिन रमन इफेक्ट के जरिए ना तो बू उसकी लेकर और ना ही उसका जायका लेकर भी इसके अंदर के तमाम अज्जा का हम पता
लगा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने ये साबित किया, जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हमारा घर है, घर में लगी हुई खिड़कियां है और खिड़कियां जिस घर के बाहर हमारे कोई पटाखा जो फूटता है जोर की आवाज में धमाका होता है, तो देखो हमारे जो खिड़कियां होती है उस पर वो वाइब्रेट होती है, तो वो वाइब्रेट जो होती है वो अलग अलग उसके अंदर के जो है जो फटने के बाद में जो चीजें या जो केमिकली जो उस पर रिएक्शन होता है उसकी वजह से हमारी खिड़कियां वाइब्रेट करती है, यानी उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के अलाहदा जो चीजें होती है वो उसके असर की वजह से यहाँ उसका असर इधर पड़ता है, यानी धमाके का। सेम यही उन्होंने इसमें बताया रमन इफेक्ट में, यानी रमन इफेक्ट के अंदर जितनी भी आने वाली जो शुआएं थी या जितनी भी आने जो शुआएं थी वो आने के बाद में जितने भी मॉलिक्यूल्स पे पड़ती थी वो सेम नहीं होती थी, उनकी तवानाई सेम नहीं होती थी, उनकी कुव्वत सेम नहीं होती थी और उनका प्रेशर सेम नहीं होता था, बल्कि मॉलिक्यूल अलग होकर उनकी बॉन्ड बन जाती थी, बंदिश बन जाती थी और हर मॉलिक्यूल में उसका जो है असर अलग दिखाई देता था। अब इसका आम जिंदगी में इस्तेमाल क्या है, रमन इफेक्ट का आम जिंदगी में सीधी सी सिंपल सी मिसालें मैं देने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहली जो मिसाल मैं अगर दूंगा तो वह खेती के अंदर जब हम जब बीज बोते हैं, फसल उगती है, तो फसल पर देखो कीड़े मकोड़े हमला करते हैं। अब वो कीड़े मकोड़े जो हम एक एक तो लेकर देख नहीं सकते कि ये कौन सी जात का है क्या है, तो जब इसका जो सर्वे करना इसका जो सर्वे किया जाता है और उसका जो पता लगाया जाता है कि भाई ये किस दवा से मर सकते हैं और कौन से टाइप के कीड़े होते हैं, अगर आप खेती करते होंगे, खेती वाले होंगे तो आपको पता होगा, आपके घर पे अगर खेती है तो हर जो कीड़े मकोड़े के लिए दवा अलग अलग होती है, जिसमें कई फॉस्फेट्स मोनो वगैरह वगैरह नाम की दवाएं होती है। इन कीड़ों का पता लगाकर वो किससे मर सकते हैं परफेक्टली, वो जो पता लगाया जाता है ये होता है रमन इफेक्ट के वजह से पॉसिबल है। जैसा आम जिंदगी में रमन इफेक्ट का क्या इस्तेमाल, तो ये हमको इस बात से पता चलता है। मेडिसिन की जो दवाई आती है जिसमें अक्सर जो है हम पढ़े लिखे जो लोग होते कंटेंट्स पूछते हैं कंटेंट्स, तो जब ये मेडिसिन की दवाएं हम तक पहुंचती है, पहुंचने से पहले जो उसका जो रॉ मटेरियल तैयार होता है वो रॉ मटेरियल के अंदर कितने अज्जा का शुमार है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट की जरूरत है और किस कंटेंट की वजह से वो इस बीमारी पर असर कर पाएगा और उसको सही कर पाएगा, ये जो तय किया जाता है ये मेडिकल लाइन में मेडिसिन की लाइन में रमन इफेक्ट के असर के जरिए रमन इफेक्ट के आले के जरिए ही पता किया जा सकता है। यानी दुनिया को रमन इफेक्ट देने वाले एशिया के पहले साइंटिस्ट सीवी रमन साहब के इतने हम पर जो है इतने हमारे को फखर की जरूरत है कि इतने बड़ी बड़ी चीजों को वो बहुत ही आसानी से हम रमन इफेक्ट के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद में पुरातत्व विभाग जो होता है, जैसा कि बहुत पुरानी हजारों साल पुरानी जो इमारतें होती है या हजारों साल पुराने जो हेरिटेज होते हैं उनको जो है उन पर जो रिसर्च की जाती है और उसके बारे में जो मालूमात की जाती है, जैसा हम अगर बात करेंगे कि पुरानी जो पत्थरों पर रिसर्च किया जाता है, पुरानी जगहों पर रिसर्च किया जाता है गार वगैरह में, ये पुरातत्व विभाग करता है, हमारा डिपार्टमेंट करता है, तो इसका भी जो इसमें भी उसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं फॉरेंसिक की बात करूं, साइंटिस्ट जो होते जो क्राइम ब्रांच जो होती है इसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट हम जो बोलते हैं कि भाई इसका फॉरेंसिक लोग वो जो जिस तरीके से सीआईडी में हम अक्सर ऐसे फॉरेंसिक वाली चीज जो देखते हैं सीरियल में, तो ये फॉरेंसिक किस वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल होता है रमन इफेक्ट की वजह से। अब आ जाओ आखिरी मिसाल मैं आमतौर पर देने की कोशिश करूंगा, ड्रंक एंड ड्राइव, यानी दारू पीकर गाड़ी चलाने के बाद जिस तरीके से वो मुंह में आला डाला जाता है और उसके जो खून के नमूने या ब्लड जो सैंपल्स लेकर जो पता किया जाता है कि इसने दारू पीकर चलाया या नहीं चलाया, तो वो भी रमन इफेक्ट का असर है। तो आज साइंस डे था, इसकी दिलचस्प जो मालूमात थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करा। आप अगर टैट की तैयारी कर रहे हैं तो और भी बेहतरीन ये साइंस से मुतालिक इजाद की मालूमात होंगी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं छठी से बारहवीं तक के, अगर आप टीचर्स हैं तो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगे तो शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और इंशाल्लाह ऐसे ही तरीके के अलग अलग जो है मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, खुसूसन अगर खास दिन कोई होता है। तो ये थी रमन इफेक्ट या साइंस डे से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात। ऐसे कई जो चीजें हैं जो हमको खोज के जरिए जो हमको पढ़ने के जरिए मालूम होती है। वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक भी करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो, किसी भी मीडियम में करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मालूमात हिंदी में है और सबको समझ सकती है। अस्सलाम वालेकुम।